गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे इज 8 दिसंबर 2019। तो स्वागत आप सभी का द ब्लू स्काई स्टडी पे। सबसे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको लगता है कोई क्वेश्चन पूछना चाहिए या कोई सुझाव देना चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तो आज का जो न्यूज़ हमारा फोकस है, दैनिक जागरण का जो एनालिसिस आज का फोकस है, वो इस बात पे फोकस है कि हमें दैनिक जागरण को किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अधिक इम्पोर्टेंट है कि दैनिक जागरण में क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, क्या छोड़ना चाहिए अधिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके पास कहीं ज़्यादा फैक्ट है और वो फैक्ट आपके पास किस तरह से एग्जाम के लिए रिलेवेंट होगा वो जानना अधिक इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो डिस्कशन होगा कि किस तरह से आज दैनिक जागरण को पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए किस तरह से आप पढ़ें, ये हमारा आज का मेन फोकस होगा। तो हमारे पास जो पहला दो न्यूज़ है, दोनों न्यूज़ को एक साथ हम समझते हैं कि आनन फानन में नहीं हो सकता है न्याय बोर्ड। तो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, स्टेट पीसीएस में कई बार पूछ देगा आपको कि सीजीआई जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, ये बोबडे जी बने हैं, ये भारत के 47th सीजीआई हैं, भारत के 47th सीजीआई हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इनका कहना है कि आनन फानन में नहीं हो सकता न्याय, यानी किसी भी न्याय को तत्काल रूप से नहीं दिया जा सकता, इमीडिएटली नहीं दिया जा सकता। दूसरी तरफ जो है ये रविशंकर प्रसाद जी हैं, इनका कहना है कि दुष्कर्म के मामले के लिए जल्द निपटारा का तंत्र बनाए न्यायपालिका। तो ये रविशंकर प्रसाद जी हैं, कानून मंत्री हैं, इनका कहना है कि न्यायपालिका जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करे, किसी भी मैटर को जो दुष्कर्म से रिलेटेड हो। तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि इनकाउंटर जो है हर एक समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि जो है एडीआर का अगर आप रिपोर्ट उठाओगे, एडीआर के रिपोर्ट के अनुसार इस बार जो है संसद में सबसे अधिक अपराधी छवि के व्यक्ति हैं इस बार संसद में पहुंचे हैं। तो आप हर एक व्यक्ति को शूट नहीं कर सकते, उसको इनकाउंटर नहीं कर सकते। अभी जो इनकाउंटर हुआ है, किन परिस्थिति में हुआ है, क्या हुआ है, नहीं हुआ एग्जैक्टली, उस पर पुलिस अपना पक्ष रखेगी, उस पर जो भी निर्णय आएगा हम डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सवाल यह होता है कि जो इनकाउंटर होने के बाद लोगों में खुशी की लहर चली है, लोगों में जो है कह सकते हो जिन्होंने फूल बरसाए लोगों ने उस पुलिस पे, तो ये एक कह सकते हो एक रीज़न है लोगों, हम लोगों को समझने का कि किस तरह से लोगों का भरोसा जो है प्रशासन तंत्र से उठ रहा है, लोगों का भरोसा न्यायपालिका से उठ रहा है। यानी लोगों का ये भरोसा नहीं है कि अगर वो जो कल्प्रिट था, वो जो अपराधी था, उसको न्यायपालिका जल्दी से जल्दी सजा दे पाएगी। हमने देखा है कि निर्भया केस देखा है, 16 दिसंबर 2012 को निर्भया केस घटना हुई थी और आज तक उन्हें सजा नहीं मिला है। यानी 7 साल होने को हैं और आज तक उनको सजा नहीं मिला है। इसी बीच में हमने उन्नाव की घटना देखी है। तो इन सारे घटनाओं को देखते हैं तो लोगों में एक आक्रोश है और इन आक्रोशों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों को कंबाइंड रूप से एड्रेस करना होगा कि लोगों में आक्रोश है कि न्यायपालिका जो है उसको जल्दी से जल्दी सजा नहीं दे पा रही है। एक फेमस स्टेटमेंट है कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, राइट। तो इसको इस रूप में आप समझ सकते हो कि किस तरह से हम अपने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इस रूप में आप समझ सकते हो कि किस तरह से हम अपने सिस्टम को सुधारें, न्यायपालिका में क्या सुधार की आवश्यकता है। न्यायपालिका, पूर्व सीजीआई ने कई बार सरकार से रिक्वेस्ट किया था, कार्यपालिका से रिक्वेस्ट किया था कि जो है जजों की संख्या पर्याप्त नहीं है, उसकी संख्या फुलफिल की जानी चाहिए। उसी तरह से विधायिका में क्या सुधार की आवश्यकता है और कार्यपालिका में क्या सुधार की आवश्यकता है, तीनों को कंबाइंड रूप से देखना होगा इस तरह को मैटर को लेकर के, राइट। आयकर में राहत की तैयारी, तो ये जो है कुछ दिन पहले आपने देखा था कि कॉर्पोरेशन टैक्स जो है, कॉर्पोरेट टैक्स में जो है सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दिया। कितना छूट दिया था, 30% से सरकार ने कर दिया था 22%। जो पुराने उद्योग हैं उसमें 30% से 22% कर दिया और जो नए उद्योग है उसमें कर दिया 15%। यानी भारत में सितंबर 2019 के बाद जो नए उद्योग लगेंगे उसमें मात्र 15% कॉर्पोरेशन टैक्स देना होगा और जो पुराने उद्योग चल रहे हैं, काफ़ी वर्षों से चल रहे हैं, उस पर आपको 22% कॉर्पोरेशन टैक्स देना होगा। तो सरकार ने काफ़ी जो है डिस्काउंट दिया। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखो कि किस तरह से ये भी सरकार का डिसीजन ले रही है कि
आयकर में राहत देने की सरकार तैयारी कर रही है। तो मेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि ऐसा सरकार क्यों कर रही है। आयकर में राहत देने का बहुत बड़ा रीजन है कि लोगों के पास पैसा की उपलब्धता हो, लोगों के पास पैसा अधिक से अधिक हो। यानी अगर कम आप टैक्स लोगे तो लोगों के पास पैसा अधिक होगा, सिंपल सा फंडा है। लोगों के पास पैसा अधिक होगा तो लोगों अधिक से अधिक मांग क्रिएट कर पाएंगे मार्केट में, अधिक से अधिक सामान खरीदारी की मांग क्रिएट कर पाएंगे। अधिक से अधिक मांग क्रिएट कर पाएंगे तो आपको निवेश चक्र याद होगा, हमने कई बार डिस्कस किया है कि अधिक से अधिक मांग क्रिएट कर पाएंगे तो अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट होगा मार्केट में, अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट होगा तो अधिक से अधिक प्रोडक्शन होगा, अधिक से अधिक प्रोडक्शन होगा तो अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट होगा, अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट होगा तो अधिक से अधिक सेविंग्स होगा, और अधिक से अधिक सेविंग्स होगा तो फिर अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट होगा। तो यानी ये इन्वेस्टमेंट साइकिल जो है ये मूव कर जाए, इसके लिए सरकार बहुत सारा काम कर रही है, जिसमें हमने बताया था आपको कि मनरेगा का फंड भी सरकार इंक्रीज कर रही है, MSP सरकार बढ़ा रही है, उस तरह से लोन बांटे जा रहे हैं, कॉरपोरेशन टैक्स में राहत दिया जा रहा है, उसी तरह से आयकर में जो है राहत दिया जा रहा है। तो हर एक का पर्पस एक ही पर्पस है, और वो पर्पस है कि किस तरह से मार्केट में डिमांड अधिक से अधिक क्रिएट हो जाए ताकि निवेश चक्र मूव कर पाए, ताकि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ मूव कर पाए, राइट। सहकारी बैंकों की कमान चाहती है RBI। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू के लिए, तीनों के लिए आप कंबाइंड रूप से समझ सकते हो। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखो कि सहकारी बैंक क्या होता है, सबसे पहले तो ये आपको जानना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि पीएमसी विवाद जो है वो विवाद क्या है, और उसके बाद जो है सरकार RBI क्या स्टेप उठा रही है, अगर कोई समिति गठित हुई थी तो उस समिति का क्या रिकमेंडेशन था। तो थोड़ा बहुत हम इस पर डिटेल से डिस्कस करते हैं। पीएमसी यानी पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉरपोरेटिव बैंक, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बैंक थी जिसका कुल लागत देश के सबसे बाहरी बड़ी सहकारी बैंक में एक थी, जिसका जो है कुल जमा रुपए वहाँ पर था 11,617 करोड़ रुपए वहाँ पे जमा था। तो देश की सबसे बड़ी एक सहकारी बैंक में एक थी, राइट। तो सहकारी बैंक क्या होते हैं, सहकारी बैंक का स्वामित्व जो है नियंत्रक मंडल सदस्यों पर होता है, एक सदस्य होता है, नियंत्रक सदस्य होता है जो लोकतांत्रिक रूप से निदेशक मंडल का चुनाव करते हैं, और इसी निदेशक मंडल के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है, विनियमित किया जाता है। आरबीआई द्वारा विनियमित होता है, और एक बैंकिंग विनियम एक्ट 1949 के तहत जो है ये आता है। तो दोनों के तहत विनियमित होता है, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर RBI इसको रेगुलेट नहीं करता है। और यही कारण है कि अब RBI का कहना है कि जिस तरह से घोटाला हो रहा है, जिस तरह से पीएमसी बैंक में घोटाला हुआ, या आरोप लग सकता है कि अन्य भी सहकारी बैंक में घोटाला हो सकता है, उसको लेकर के RBI का स्पष्ट कहना है कि सरकार सहकारी बैंकों की कमान जो है अब RBI को दे दे, RBI के पास पूरा कमान हो, जिस तरह से RBI के पास कमर्शियल बैंक का कमान है, राइट। टाइगर रिजर्व के पर्यटन स्थलों पे अब रात में नहीं रुक सकेंगे सैलानी। तो NTCA जो है, NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इनका कहना है कि अब जो है पर्यटन स्थल सरकार सॉरी सैलानी जो है यानी जो घूमने के लिए लोग आते हैं, जो पर्यटक हैं, वो टाइगर रिजर्व में रात में नहीं रुक सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो न्यूज़ है, नॉर्मल न्यूज़ है, आपको जानना चाहिए। दूसरा सबसे अधिक इम्पोर्टेंट क्या है कि NTCA क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में UPSC ने कई बार पूछा है और पूछ भी सकता है। तो NTCA के बारे में जानो कि NTCA जो है एक स्टेचुटरी बॉडी है, स्टेचुटरी बॉडी यानी सांविधिक संस्था, इसे हिंदी में कहा जाता है सांविधिक संस्था। दो संस्था होती है, एक स्टेचुटरी बॉडी होती है यानी सांविधिक संस्था होती है, दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी संवैधानिक संस्था होती है। तो सांविधिक संस्था वैसी संस्था होती है जिसका गठन संसद के द्वारा किसी एक्ट के माध्यम से किया गया हो, और संवैधानिक संस्था वैसी संस्था होती है जिसका गठन संविधान के किसी आर्टिकल के माध्यम से किया गया हो। जैसे GST काउंसिल जो है संवैधानिक संस्था है, निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है, और NTCA सांविधिक संस्था है, NGT सांविधिक संस्था है। तो NGT की स्थापना किसी एक्ट के माध्यम से किया गया है, ये एक्ट का नाम याद रखना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972।
2006 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका अध्यक्ष काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, पर्यावरण मंत्री होते हैं, और प्रोजेक्ट टाइगर जो टाइगर की गणना वगैरह करता है, प्रोजेक्ट टाइगर काफ़ी बड़ा अभियान चलाया गया था वो NTCA ही चलाता है, राइट। ये जो है इसमें जो पॉलिटिकल न्यूज है हमारे लिए कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता, पॉलिटिकल न्यूज किस नेता ने किस नेता पे क्या स्टेटमेंट दिया कभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। देखो DGP IGP सम्मेलन में शामिल हुए प्राइम मिनिस्टर, तो ये सम्मेलन जो है ये पूना में सम्मेलन आयोजित हो रहा है, डीजीपी और आईजीपी का जो है सम्मेलन आयोजित हो रहा है पूना में। तो बस ये याद रखना, वन डे एग्जाम में पूछ सकता है, स्टेट PCS में भी पूछ सकता है, UPSC में नहीं पूछेगा। देखो मानवाधिकार आयोग ने शुरू की हैदराबाद मुठभेड़ की जांच। तो हैदराबाद में जो है पुलिस के द्वारा जो इनकाउंटर किया गया, वो इनकाउंटर किन परिस्थिति में किया गया, कैसे किया गया, नहीं किया गया है, तो वास्तविक में इनकाउंटर था या फेक इनकाउंटर था, इसकी जांच कर रही है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो यहाँ पे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का बारे में जानना आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने जो लक्ष्मीकांत का सेक्शन है, लक्ष्मीकांत की जो किताब है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत हम भी डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अधिक इंपॉर्टेंट आपके लिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन 1993 में किया गया था, 1993 में किया गया था, 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है यह, ठीक है। यह संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकार, संविधान जो आपको मानवाधिकार देती है जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और उसके प्रहरी के रूप में काम करता है। यानी कहीं भी राष्ट्रीय मानवाधिकार को लगता है, आयोग को लगता है कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार का हनन हो रही है, तो वो इंटरव्यू कर सकता है, वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर सकता है, वहाँ पे जांच कर सकता है। मानवाधिकार की परिभाषा क्या है, तो यूनाइटेड नेशन की परिभाषा के अनुसार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, धर्म, भाषा, किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त है, उसे ही कहा जाता है मानवाधिकार। यानी किसी भी रूप में भेदभाव आप नहीं कर सकते हो किसी व्यक्ति के साथ, किसी समुदाय के साथ। NHRC जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एक 7 सदस्यीय, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य इसमें होते हैं, 1+7, यानी एक अध्यक्ष होते हैं और इसमें 7 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो वहाँ तक होता है। यानी मैक्सिमम या तो 5 वर्ष तक मैक्सिमम आप रख सकते हैं, और आपकी उम्र अगर 70 वर्ष तक हो तो आप मैक्सिमम रख सकते हैं। जैसे मान लो एक व्यक्ति जो NHRC का अध्यक्ष बना है, उसकी उम्र वर्तमान में अगर 68 ईयर है तो वो मात्र 2 वर्ष तक ही रहेगा, लेकिन एक व्यक्ति जो NHRC का अध्यक्ष बना है, उसकी उम्र अगर 60 वर्ष है तो वो 5 वर्ष तक पूरे रहेगा वहाँ पर। तो दोनों में जो भी पहले हो वो रह सकता है 5 वर्ष या 70 वर्ष। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति जिसमें होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता होते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इनकी सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो अक्सर जो ये समिति है, ये समिति से आपको पूछ देगा कि NHRC समिति के कौन कौन जो है मेंबर होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी दल के नेता होते हैं, और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इनकी सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति करता है। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना कि NHRC का जो है अध्यक्ष जो होता है वो CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही इसके अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रपति की राय न्याय सस्ता व सर्वसुलभ होना चाहिए। यानी राष्ट्रपति का कहना है कि न्याय जो होना चाहिए
वो सस्ता होना चाहिए या कि कम से कम खर्च होना चाहिए उसमें, ताकि आम लोगों की पहुंच अधिक हो सके और सर्वसुलभ होना चाहिए, यानी सभी व्यक्ति उस तक उसकी प्राप्ति हो जाना चाहिए। तो लोकतंत्र का सही अर्थों में जो है राष्ट्रपति के द्वारा ये संबोधन किया गया है कि लोकतंत्र को सही रूप में इस रूप में देखा जाना चाहिए कि न्याय सस्ता और सर्वसुलभ होना चाहिए। मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो। देखो, नागरिकता निर्धारण का एक सही तरीका, तो नागरिकता को लेकर के हमने कई बार डिस्कस किया है। नागरिकता के बारे में आपको जानना क्या है कि नागरिकता एक्ट क्या है आखिर, नागरिकता जो है सरकार जो संशोधन ला रही है वो संशोधन क्या है। तो संशोधन ये है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के आए हुए जो हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, टोटल 6 कम्युनिटी हैं, इसको आसानी से नागरिकता दी जाए। मतलब 3 राष्ट्र का सिलेक्शन किया गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और वहाँ के जो है मुस्लिम छोड़ करके अन्य जो कम्युनिटी है, जो वहाँ की माइनॉरिटी कम्युनिटी है जिसपे काफ़ी प्रताड़ना की जाती है पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में, उसे भारत की नागरिकता देने में आसानी प्रदान की जाए। तो देश भर में इसका विरोध क्या हो रहा है, इसको आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि इसका क्या पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट यानी सरकार का क्या पक्ष है, निगेटिव पॉइंट यानी विपक्ष का क्या पक्ष, ठीक है। और उसके बाद जो है एक कंक्लूसिव, आपको एक कंक्लूजन लिखना है। तो सर, इसका विरोध क्यों हो रहा है, विरोध हो रहा है कि काफ़ी लोगों का कहना है कि ये समानता का अधिकार का उल्लंघन है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष सभी को समानता की बात की गई है, जाति धर्म लिंग के आधार पर किसी तरह का कोई विभेद नहीं होगा। ये मानवाधिकार का, क्या ये मानवाधिकार के पक्ष में है, यानी कई लोगों का विरोध करने का ये भी रीज़न है कि पाकिस्तान में जिस तरह से अहमदिया कम्युनिटी पे, पाकिस्तान में जिस तरह से शिया कम्युनिटी पे अत्याचार होती है, तो आपने मुस्लिम को क्यों इंक्लूड नहीं किया। अगर एक मुस्लिम फैमिली मान लेते हैं कि पाकिस्तान में जिस पे अत्याचार होता है, तो उसको भी तो आप भारत की नागरिकता दे सकते थे, अगर वो भारत का नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो। धर्म के नाम पे बने देश पाकिस्तान की अच्छी स्थिति नहीं है। कई लोगों का कहना है कि ये जो है आप जो विभेद कर रहे हैं ये धर्म के आधार पर कर रहे हैं, और धर्म के आधार पे जो 70 वर्ष पहले पाकिस्तान एक नया देश बना था, उसकी स्थिति वर्तमान में आप देख लो, तो उससे हमें कुछ सीख लेना चाहिए, उसकी तरह हमें नहीं बनना चाहिए। पूर्वोत्तर के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट का लोग जो है काफ़ी पहले से इसका विरोध कर रहे हैं। एनआरसी को लेकर के काफ़ी आंदोलन चलाया था नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने, उसने कहा था कि काफ़ी घुसपैठिए ऑलरेडी आ चुके हैं असम के क्षेत्र में या पूर्वोत्तर के क्षेत्र में, उसे यहाँ से बाहर निकालिए। तो फिर से अगर इन लोगों को शामिल किया जाएगा, यानी बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक लोग हैं उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी, तो फिर से पॉपुलेशन ओवर क्राउडेड हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट में, इसलिए वहाँ के लोग ऑलरेडी विरोध कर रहे हैं। सरकार का क्या क्या पक्ष है वो आपको जानना चाहिए, यानी क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट यह है कि इन देशों में इन समुदाय को प्रताड़ित किया गया है, यानी जो है अन्य जो समुदाय हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, पारसी हैं, इसको धर्म परिवर्तित करके इनको मुस्लिम ही बना दिया जाता है इन देशों में, और काफ़ी प्रताड़ना किया जाता है। ये मुस्लिम देश है इसलिए मुसलमानों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, यानी आप मुस्लिम को मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं करोगे ना। आप अगर एक हिंदू कम्युनिटी हो या पारसी हो या जैन हो, तो उसको मारपीट के आप मुसलमान कन्वर्ट कर दोगे, लेकिन मुस्लिम को मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं करोगे। तो सरकार का कहना है कि ऑलरेडी ये देश जो है यहाँ पे मुसलमानों के लिए बहुसंख्यक देश है, इसलिए हम मुसलमानों को यहाँ पे सम्मिलित नहीं कर रहे हैं नागरिकता अधिनियम संशोधन में। तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट, कुछ निगेटिव पॉइंट, और आपका एक कंक्लूजन क्या होना चाहिए, क्या आपको लगता है, वो आपको तैयार रखना चाहिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तारीख पे तारीख पाना न्याय, तो ऑलरेडी जो हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट पेज पर उसी से संबंधित है, एक बार पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार आपको पढ़ना चाहिए। देखो, आज का एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है, कला संस्कृति को लेकर के उदासीनता एक बार देख सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें कहना है कि सरकार जो है कला और संस्कृति पे ध्यान नहीं देने दे रही है, इसको अधिक से अधिक सरकार को ध्यान देनी चाहिए, और कला संस्कृति पे फोकस करके आप पर्यटन में अधिक से अधिक सुधार ला सकते हो। देखो, जल्द मिल सकती है ओली को फिर से मान्यता,
तो ओली जो है एक जगह है जहाँ पे स्केटरिंग होता है, इस तरह से जैसे बर्फ की जगह पे स्केटरिंग होता है वहाँ पे स्केटरिंग होता है। तो ओली कहाँ पे है लोकेशन पहले याद रखो, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ओली है हिमाचल प्रदेश में। और फीस क्या, फीस के बारे में आपको जानना चाहिए कि फीस को कहा जाता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्कीडिंग। तो फीस के बारे में आपको जानना चाहिए कि फीस की स्थापना कब हुई थी, तो 1924 में ही फीस की स्थापना हुई थी। और ये मान्यता देता है स्कीडिंग को लेकर, मान्यता देता है। और ये जो है इसका हेडक्वार्टर है आपको स्विट्जरलैंड में, राइट। देखो स्टार्टअप में पेंशन फंड के निवेश पे विचार के लिए सरकार तैयार, तो ये बिजनेस पेज में है। बिजनेस पेज में आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट न्यूज़ है, फर्स्ट न्यूज़ में जो पेंशन में, पेंशन जो फंड होता है सरकार के पास PFRDA के माध्यम से जो फंड आता है, यानी अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हो तो आपके आपके सैलरी से प्रत्येक महीना कुछ ना कुछ रुपए कट जाता है, जो अंतिम समय में आपके रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में आपको प्राप्त होती है। तो वो जो पैसा कटता है कुछ, तो वो PFRDA में जाता है। तो पहली बात तो PFRDA के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, पेंशन को किस तरह से ये रेगुलेट करता है। दूसरी बात क्या है कि वो जो पेंशन फंड करता है PFRDA, तो PFRDA किसी जगह पैसा को निवेश करती है वो, और वो पैसा को निवेश करती है तो वहाँ से डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, और वहीं आपके 60 वर्ष होने के बाद आपको पेंशन के रूप में वही पैसा देता है। तो सरकार का जो है सरकार जो है विचार कर रही है कि स्टार्टअप पे भी जो है हम किस तरह से निवेश करें, पेंशन PFRDA का पैसा किस तरह से वहाँ इन्वेस्ट करें, पेंशन का पैसा किस तरह से हम वहाँ पे लगाएं। तो सबसे पहले स्टार्टअप के बारे में आपको जानना चाहिए कि स्टार्टअप होता क्या है। स्टार्टअप जो है, स्टार्टअप की परिभाषा में चेंज हुआ है, यानी वो कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो। पहले था 25 करोड़ रुपया, स्टार्टअप 25 करोड़ रुपये से अधिक होता था तो स्टार्टअप नहीं माना जाता था। अब इसकी परिभाषा में चेंज हुआ है, वैसी कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ रुपीज़ से अधिक नहीं हो, यानी इसके अंदर तक रह सकता। दूसरी बात क्या है कि 10 वर्ष से पुरानी कंपनी नहीं होनी चाहिए, उसे स्टार्टअप कहा जाएगा। पहले ये जो है ईयर था 7 वर्ष था और ये 25 करोड़ था, तो डेफिनेशन चेंज हुआ। याद रखना, कोई भी कंपनी जो 10 वर्ष से अधिक पुरानी ना हो तथा जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से अधिक ना हो, उसे स्टार्टअप कहा गया, राइट। इसकी शुरुआत जो की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी 16 जनवरी 2016 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और इसको जो रेगुलेट करता है, जो मिनिस्ट्री करता है, उसका नाम रखना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर, वाणिज्य मंत्रालय इसको रेगुलेट करता है। उसका एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है DPIIT। इस डिपार्टमेंट का भी नाम कुछ और था, अब चेंज हुआ है। इसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसका है नाम। और यही रेगुलेट करता है स्टार्टअप को लेकर के, जो पॉलिसी बनता है स्टार्टअप को लेकर के, वो पॉलिसी बनाता है यही संस्था DPIIT, राइट। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है ये जो फैक्ट मैंने बताया है, 10 ईयर 100 करोड़। देखो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी समय से जो है ये न्यूज़ चर्चा में रह रहा है, वोडाफोन और आइडिया की टूटी तो एयरटेल होगी फायदे में। तो हमने डिस्कस किया है, कई बार हमने डिस्कस किया है कि टेलीकॉम सेक्टर का क्या विवाद है, और ये PT और मेंस दोनों जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। टेलीकॉम सेक्टर का क्या विवाद है, उसमें सरकार का क्या पक्ष है, राजीव गुहा समिति जो बनी है क्यों बनी है, उस समिति अपना क्या रिकमेंडेशन दे रही है, इन कंपनियों का क्या कहना है, PT पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं अधिक इंपॉर्टेंट है। हमने कई बार डिस्कस किया है, हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक बार आपको एटलीस्ट पूरा न्यूज़ पता होना चाहिए कि टेलीकॉम को लेकर के क्या विवाद चल रहा है। और दूसरा जो एक टर्म होता है, इस टर्म के बारे में मैं डिस्कस कर देता हूँ, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, AGR कहा जाता है इसे, AGR, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, यानी जो टेलीकॉम कंपनी थी जो पहले सरकार को टैक्स देती थी, वो टैक्स देती थी कह सकते हो कि टेलीकॉम सेक्टर में हुए फायदा को लेकर के देती थी। टेलीकॉम सेक्टर इन द सेंस कि जैसे आप मैसेजिंग में जो फायदा हो रहा है या आपके जो कॉल में फायदा हो रहा है, तो उस फायदा को लेकर के जो है सरकार को टैक्स देती थी। तो सरकार को जो टैक्स देती थी, तो हर एक बार टेलीकॉम कंपनी सरकार को लॉस शो कर देती थी,
कि सरकार को लॉस शो कर देती थी कि टेलीकॉम सेक्टर में उसे घाटा हो रहा है। तो सरकार भी चलो ठीक है घाटा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, टैक्स नहीं दे रहा है। लेकिन जो है सरकार ने बाद में कैलकुलेट किया कि अगर घाटा हो रही है तो ये कंपनी चल कैसे रही है। तो एक टर्म आया उसे कहा गया एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, यानी ये कंपनी को टेलीकॉम सेक्टर में लॉस हो रहा है ये बात सही है, लेकिन नॉन टेलीकॉम सेक्टर में इसे फायदा हो रहा है। नॉन टेलीकॉम सेक्टर क्या हो गया, जैसे कंपनी जो है टेलीकॉम कंपनी काफ़ी आपको सुविधा देती है, FD करवा सकते हो, RD करवा सकते हो वहाँ पे, उसके बाद जो है इंश्योरेंस देती है, अन्य कई सारी फैसिलिटीज देती है आपको, वहाँ पे उसको फायदा हो रहा है। तो इसलिए सरकार ने कहा कि अब जो है आप हमें टेलीकॉम सेक्टर और नॉन टेलीकॉम सेक्टर दोनों पे जो है दोनों को मिला करके जो आपका कंबाइंड बेनिफिट हो रहा है उस बेनिफिट पे आप हमें टैक्स दें, यानी इसे कहा गया है एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू, राइट। देखो दोहा में फिर शुरू हुई अमेरिका तालिबान के बीच शांति प्रक्रिया। तो अमेरिका और तालिबान के बीच में जो शांति प्रक्रिया है वो तालिबान वार्ता क्या है, दोहा में शुरू हुआ ये याद रखना, लोकेशन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ दें। उसके बाद तालिबान वार्ता क्या है, नहीं है, अफगानिस्तान का क्या रोल है, इंडिया का क्या रोल है, पाकिस्तान का क्या रोल है, और उसके बाद जो है चीन का क्या रोल है। तो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जानना अधिक इंपॉर्टेंट है कि तालिबान को लेकर के भारत का क्या पक्ष है, पाकिस्तान का क्या पक्ष है, चीन का क्या पक्ष है और अमेरिका का क्या पक्ष है, राइट। और H1B वीज़ा के लिए अमेरिका ने तैयार की ई पंजीकरण प्रक्रिया। तो H1B भारत और अमेरिका के बीच में हमने कई बार डिस्कस किया है कि भारत और अमेरिका के बीच में क्या चीज़ को लेकर के विवाद है, क्या संबंध है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है। और नेगेटिव पॉइंट में एक पॉइंट यह था कि H1B वीज़ा क्या होता है, क्या उसका प्रोविज़न है, और भारत और अमेरिका के बीच संबंध किस तरह से खराब हो सकते हैं H1B वीज़ा को लेकर के, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अधिक इंपॉर्टेंट है, राइट। हमने कई बार डिस्कस किया, आज हम इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इस दोनों न्यूज़ पे हमने कई बार डिस्कस किया है, क्योंकि आज हमारा बेसिकली फोकस था कि दैनिक जागरण न्यूज़ को किस तरह से पढ़ना चाहिए, राइट। यहाँ पे जो है एक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, मेंस के लिए तो बहुत ज़रूरी नहीं है, स्पेस एक्स कंपनी है, स्पेस एक्स बहुत फेमस कंपनी है, एलन मस्क की कंपनी है। हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था हाइपर लूप को लेकर के, किस तरह से अमृतसर से दिल्ली हाइपर लूप बनाए जाने की बात चल रही है और मुंबई से पुणे हाइपर लूप चलेगी। तो हाइपर लूप को जो शुरुआत कर रहा है उस कंपनी का नाम है, वो कंपनी है एलन मस्क की ही कंपनी है, और इसी एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, जहाँ से जो है एयरक्राफ्ट वगैरह लॉन्च होता है, जहाँ से स्पेस क्राफ्ट लॉन्च होता है। तो ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट लॉन्च हुआ है स्पेस एक्स कंपनी से, स्पेस एक्स कंपनी अमेरिका की कंपनी है। तो नॉर्मली ड्रैगन जो संबंधित होता है, ये वर्ड संबंधित होता है चीन को लेकर के, जहाँ ड्रैगन की चर्चा होती है वहाँ चीन के बारे में हम जिक्र करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप याद रखना ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट जो लॉन्च हुआ है वो स्पेस एक्स से लॉन्च हुआ है, यानी अमेरिका से ये लॉन्च हुआ है। PT पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके स्टेट PCS में आपसे पूछ सकता है, राइट। तो चलिए इतना ही था, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि PT पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, दैनिक जागरण में क्या छोड़ना चाहिए, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो कल हम फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।